आइसोस्केलस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो जैसे ये दोनों साइड्स मान लीजिए आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी है, उसमें ये दोनों साइड ए बी बराबर ए सी है। कहता है कि इसके अपोजिट एंगल, ए बी के अपोजिट एंगल हो गया एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी। आइसोस्केलस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल सी बराबर एंगल बी ये प्रूव करना है। सो टू प्रूव में क्या हो गया, टू प्रूव एंगल सी बराबर एंगल बी, और गिवन में क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी। चूंकि ए बी सी एक ट्रायंगल, ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल उसी को कहते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल है। तो इसमें ए बी और ए सी मान लेते हैं कि इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल सी बराबर एंगल बी। तो इस ट्रायंगल में लेट्स ड्रॉ एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ए बी से डी मानते हैं कि पॉइंट डी पर जा करके ये मिलता है। तो क्या करेंगे, ड्रॉ ए डी एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर विच इंटरसेक्ट्स बी सी एट पॉइंट डी, इस पॉइंट पर लाएगा। तो चूंकि ए डी एक एंगल बाई सेक्टर है, तो क्या हो गया, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि ए डी एक एंगल बाई सेक्टर है, और ए बी बराबर ए सी है क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, एंड ए डी बराबर ए डी कॉमन साइड्स है। तो ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, इस दोनों में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया, एंगल ए बी डी, ए वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए। तो एंगल ए सी डी इज नथिंग बट एंगल बी बराबर एंगल सी, ये प्रूव करना था। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं।